हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो है यूनिट 4। यूनिट 4 का पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 8, उसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे dy/dx इज इक्वल टू 5xy या फिर बोले 5xy इज इक्वल टू 10। फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ किस में होगा, या तो x या तो y, x और y के टर्म में होगा। अब इनको सॉल्व, ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है। चलिए आइए देखते हैं क्या है वो। देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड टेलर सीरीज। अगर आपने ट्रंकेशन एंड टेलर सीरीज किया होगा तो आपको पता होगा, तो ये वही है, फॉर्मूला सेम आएगा इसमें। और दूसरा है ऑयलर मेथड, ये हमारे लिए नया है। फिर है ऑयलर मॉडिफाइड मेथड। चौथा है रुंगे कुतास मेथड, जिसको हम आय के मेथड भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टेलर सीरीज मेथड। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y- इज इक्वल टू f(x,y) विद द इनिशियल कंडीशन एज y(x) इज इक्वल टू y0। इसने क्या बोला है, जब dy/dx होगा मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है मतलब ऐसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे इसने डायरेक्टली y- बताया, y- का भी मतलब वही होता है, और वो इक्वल है f(x,y) के विद इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, y(x) इज इक्वल टू y0, मतलब जिसमें x की वैल्यू 0 आएगी। देन द टेलर सीरीज इज गिवन एज, तब टेलर सीरीज हमारे क्या होगा, इसमें देखते हैं y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h y0 फर्स्ट ऑर्डर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो 1 फैक्टर है, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 है मतलब 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 आएगा मतलब 3 का फैक्टोरियल, तो कहते कहते हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ तक फॉर्मूला हमारा बने। तो यहाँ पे h स्क्वायर है, तो यहाँ पे आया डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y0 प्लस h³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y0। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो हमारे बेस है टेलर सीरीज पे। यूज टेलर सीरीज मेथड टू सॉल्व द dy/dx इज इक्वल टू x-y² गिवन y(x) इज इक्वल टू 1। फाइंड y(0.2) अब यहाँ पे इसने h निकाला। आप सोचेंगे 0.2 कहाँ से लिया, 0 कहाँ से लिया, तो हमारा हमेशा h कैसे निकलता था, कभी भी x के कॉलम में हम जाते थे, x के कॉलम में बड़े वाले को माइनस छोटा h कहते थे। तो ये हमारा x है, ये y(x) हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखिए यहाँ पे, फिर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए y(x), ये देखिए यहाँ पे, और उसके बाद से आगे अभी देख रहे हैं क्या, y(0) इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या है हमारा, 0, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारा, 1। फाइंड क्या करने बोला है, y(0.2), मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0.2, और हमें y की वैल्यू फाइंड करने बोली है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 0.2। हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, तो 0.2-0 कितना होगा हमारा, 0.2 ही होगा, तो h की वैल्यू हमारा 0.2 ही आ गया। चलिए आगे चलते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx इज इक्वल टू x-y² जैसे का है वैसे का वैसे लिख लेना है। देयरफॉर f(x,y) इज इक्वल टू x-y² इन टर्म्स ऑफ x। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे dy/dx हमने पहले ले लिया, dy/dx हमारा क्या है, इज इक्वल टू y के, और y इज इक्वल टू किसको है, f(x) के। फिर dy/dx तो हमारा इक्वेशन के हिसाब से हो गया, इसको कंपेयरिंग करना है इक्वेशन 2 के साथ, तो इसे हमें कंपेयरिंग करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे किया वही सेम यहाँ पे इसने बताया कि y(0) इज इक्वल टू 1 है, तो y(0.2) हमारे फाइंड करना है। कंपेयरिंग करेंगे तो x0 की वैल्यू हमारे 0, y0 की वैल्यू हमारा 1, ऐसे करके इसने वैल्यू निकाले, ये y0 है, ये x0 है, क्योंकि ये इनिशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, x0 और y0 की तो वैल्यू मिल गई, टू फाइंड 0.2, देयरफॉर टेक h इज इक्वल टू 0.2।
पहले हमने बता दिया रीजन की एच का वैल्यू हमने क्यों लिया है 0.2, वो हमारा एक्स करके माइनस करके आया। टेलर सीरीज मेथड गिवन एस वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच इंटू वाई डैश ऑफ वाई नॉट प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश ऑफ वाई नॉट प्लस एच क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल वाई डबल ट्रिपल डैश ऑफ वाई नॉट प्लस एच पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस वाई नॉट, यहाँ पे आएगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमें करना है। फिर हमें बीच में से एक लाइन मान लेना है, एक इन टर्म्स ऑफ एक्स और एक इन टर्म्स ऑफ वाई के हिसाब से सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई नहीं, वो आपको आगे देखने मिलेगा। यहाँ पे हमने रफली सॉल्व करते जाना है, उसके यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जाना है। पहले क्या है, डीवाई बाई डीएक्स जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसका मतलब भी वाई डैश होता है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखेंगे, इनिशियल पे, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पे, वाई नॉट मतलब डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई स्क्वायर नॉट, इनिशियल पे क्या होता है। तो इनिशियल पे एक्स नॉट का वैल्यू 0 है, वाई नॉट का वैल्यू 1 है। तो हमने क्या किया, वाई नॉट का वैल्यू डाला, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद से इसको सॉल्व किया तो माइनस 1 ही आया। तो वाई नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, वाई डैश ऑफ वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है। y नॉट ऑफ y डैश की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है, देयरफॉर करके इसको बॉक्स में बना के लिख दिए। फिर उसके बाद से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, क्योंकि हमें ये सब वैल्यूज फाइंड करने हैं y के, तभी तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में देखेंगे क्या करेंगे, जो ये है ना इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, सेकेंड ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे डबल डैश आया है। फिर उसके बाद से डेरिवेटिव ऑफ x तो उसका 1 होगा, y का देखेंगे तो पहले 2 आगे आ जाएगा, फिर होगा y, फिर डेरिवेटिव ऑफ y बचेगा तो dy वाई बाय डी एक्स। फिर से हिसाब से dy वाई बाय डी एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, तो y डैश मैंने लिख लिया 1 माइनस 2y इंटू वाई डैश। अब इसे सॉल्व करेंगे कि अगर इनिशियल पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इनिशियल इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू फर्स्ट ऑर्डर y ऑफ y नॉट इंटू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव y नॉट। फिर इसका से इसका वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो 1 का 1 आ गया, माइनस 2 प्लस 2, y नॉट का वैल्यू यहाँ मिला था माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस, सॉरी माइनस 1 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y नॉट 1, y नॉट 1 की वैल्यू हमें मिली थी, तो y नॉट 1 की वैल्यू हमें मिली थी, y नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी। तो ये सेम मतलब 1 इंटू 1 नहीं होगा तो माइनस 1 ही रहेगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो प्लस 2, 1 प्लस 2 तो 3। यह हमारी वैल्यू किसकी निकल गई, y डबल डैश की निकल गई, ये उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। नाउ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, थर्ड ऑर्डर मतलब इसी का डेरिवेटिव ले लेंगे। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, 2 तो बाहर आ जाएगा, y इंटू वाई नॉट। अब यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा, u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। अगर आप 12th में किए होंगे तो आप पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पहले u बाहर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ v लेना है, फिर बाद में v बाहर आएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ u लेना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, पहले क्या है, y इंटू वाई डबल डैश, y इंटू वाई डबल डैश। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे, y पहले तो क्या आएगा, y बाहर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ y y डैश तो इसका हो जाएगा y डबल डैश प्लस अभी कौन बाहर आएगा, y नॉट बाहर आएगा, y डैश बाहर आएगा और y बचेगा, तो y डैश बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx ही होगा, जिसको हम सिंपली क्या कहेंगे, y डैश कहेंगे प्लस y डैश इंटू y डैश। तो ये y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे y इंटू डबल डेरिवेटिव y डैश का स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर अगर इंटू करता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, इतना तो सॉल्व हो गया हमारा। ये सॉल्व होने के बाद से यहाँ तक हम पहुँचे, इसको भी इनिशियल पे हमें डालना है। इनिशियल पे क्या है, y नॉट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, y नॉट लगाना है। तो y नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास,
y नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 1, देखिए यहाँ पे है, आपको अब दिख रहा होगा y नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 1 आ गया। फिर y डबल डैश ऑफ y नॉट, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। पहले देखिए वो 2 बाहर है सबके, 1 इंटू 3, फिर प्लस का साइन, फिर 2 आया, 2 क्यों आया वो देख लेते हैं। पहले तो इसने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो बाहर 2 बैठा था वो दोनों वाई टर्म्स को मल्टीप्लाई कराया, मतलब मैंने 2 को सेपरेट कर दिया, अगर आप बाहर भी रखेंगे तो भी चलेगा। चलिए ठीक है, मैं सेपरेट करके ही कहता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये बस याद रखिए। फिर इसके बाद से वाई डैश नॉट का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो -1 है, तो -1 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -6 -2 -8, एक इसका वैल्यू निकल गया वाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें फोर्थ निकालना है, फोर्थ भी हमें वैसी होगा, इसको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तरफ, यहाँ पे क्या किया है ना, जो -2 है इसको पहले से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो y डबल डैश, मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएगा, -2y 1 का स्क्वायर, यहाँ तो हमें ऐसे कर लिए, लेकिन इसमें पहले सॉल्व करते गया फिर इसको मल्टीप्लाई, आइए देखते हैं। पहले क्या है y को बाहर निकाला, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव किया है। फिर उसके बाद से इसने क्या किया कि जो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाला था इसका पहले लिया था, अब इसका लेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। फिर इसके ऐसे माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव इजीली लेंगे, पहले तो का -2 को हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेते हैं क्योंकि इसका भी है और इसका भी है, इन लोग का भी, तो -2 इंटू ये वाई स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा और y हो जाएगा, y डैश का हो जाएगा, डैश हो गया। फिर इसका ऐसे इन टर्म्स ऑफ सिर्फ y डैश का करना है, तो y डैश का होगा d स्क्वायर y अपॉन dx, ऐसे हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं y डबल डैश, तो इसलिए हमारा y डबल डैश आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, -2 इसमें भी सेपरेट कर दिया, सेपरेट हो गया, 2 2 4 4 हो गया, माइनस का साइन माइनस, यहाँ माइनस साइन था इसलिए यहाँ माइनस है। तो इस वजह से इसको सॉल्व करेंगे तो मैचिंग कौन खा रहा है, तो मैचिंग ये हो गया, तो -6 हो गया, ऐड हो गया और यहाँ पे ये हो गया। तो इसके बाद से ये भी 0 इनिशियल पे देखेंगे तो इनिशियल पे क्या होगा, -2y0y11, मतलब ट्रिपल थर्ड ऑर्डर ऑफ y 6y0 1 और y डबल डैश ऑफ 0। फिर इसमें क्या करेंगे, y नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो 1 थी, यहाँ पे ऊपर 1 है, 1 मैंने पुट किया 1, और y ट्रिपल डैश ऑफ 3 का वैल्यू क्या था यहाँ पे मैंने निकाला था अभी, तो -8 था, यहाँ पे -2 भी बैठा हुआ है, फिर -6 y डैश ऑफ y नॉट की वैल्यू क्या थी, तो y डैश ऑफ y नॉट की वैल्यू हमारी -1 थी, तो ब्रैकेट में -1, डबल की क्या थी 3 थी। सॉल्व कर लेंगे, देखिए इधर सेम ऐसे ही आया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -8 है, यहाँ -2 है, तो 8 2 16 तो +16 आएगा, ये तो 1 है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। फिर इसके बाद से ये तो -3 है, -3 माइनस +6 तो +18 हो जाएगा, 16 प्लस 18 आप करेंगे तो 34 आपका आंसर आएगा। फिर इसके बाद से ये किसका हमें वैल्यू मिला, तो ये मिला y पावर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बस सबका वैल्यू पुट कर लेना है, इसके यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपके सामने एक बार फिर से आ गया साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसे ऑन कर लेते हैं और सॉल्व करें, y नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 थी, फिर प्लस h की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, 0.2 इंटू ब्रैकेट में -1, फिर उसके बाद से प्लस, फिर उसके बाद से ब्रैकेट में क्या
0.2 और पावर में क्या आएगा 2। यहाँ पे एक बार डबल ब्रैकेट आप डाल दीजिए ताकि आपको मिस्टेक ना हो। 0.2 पावर में 2, फिर इसके ऐसे ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके ऐसे इंटू थ्री ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2, फिर इसके ऐसे डिवाइड बाय 2, फिर प्लस, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट का वही होगा इशू, तो फिर से यहाँ पे एक दो ब्रैकेट 0.2 पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट में माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद से क्या आएगा डिवाइड बाय 6 होगा, फिर इसके बाद से फिर प्लस, फिर दो बार ब्रैकेट 0.2 पावर में 4, फिर इसके बाद से ब्रैकेट एक क्लोज, फिर इसके बाद से एक और ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट डालिए चाहे इसमें मत डालिए क्योंकि 34 सिंगल नंबर, इनटू करके 3, 4 डिवाइड बाय 2, 4 इज इक्वल्स टू, दबाइए देखिए आपका आंसर क्या है 0.8516। मेरा भी आया 0.8, थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे है, क्यों आगे पीछे है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ थोड़ा सा ये हुआ है, आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा आपका वैल्यू मिल जाएगा 0.872, ये हमारा सही वैल्यू है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द टेलर सीरीज टू अप्रोक्सीमेट y at 2.1 if dy by dx x minus y and y of 2 is equals to 2। अब हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक इनिशियल पे 2.1 है और एक है हमारे पास 2 है, सॉरी यहाँ पे हमारा इनिशियल वाला वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू एक 2 है और एक 2.1 है, तो 2 माइनस 2.1 कितना आएगा हमारा, सॉरी 2.1 माइनस 2 तो हमारा होगा 0.1, ये हमारा h का वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह इसमें बोला पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है जो दिया हुआ है dy by dx x माइनस y, फिर डेरिवेटिव f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू x माइनस y, फिर f ऑफ 2 क्या है 2 ही है, x नॉट की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 2 और y नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसके ऐसे 2 फाइंड क्या करना है f ऑफ 2.1, तो हमारा h का वैल्यू मैंने आपको बताया कैसा है 2.1 माइनस 2 तो आएगा अपना 0.1। टेलर सीरीज हमें लिख लेना है, टेलर सीरीज हमें कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम यहाँ पे 4 तक जाना है, 4 तक जाएंगे पहले तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है x माइनस वाई, फिर सेकंड x माइनस वाई, यहाँ पे इसको नॉट लगाएं, देखिए यहाँ नॉट लगाए, x नॉट की वैल्यू 2 है, y नॉट की वैल्यू भी 2 है, तो 2 माइनस 2 0, y डैश ऑफ y नॉट की वैल्यू 0, फिर उसके बाद से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश का डबल डैश हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा बीच में माइनस y का हो जाएगा हमारा dy/dx और dy/dx का मतलब होता है y डैश, इसलिए मैंने यहाँ y डैश लिखा है, ये 1 आप लिखे चाहे ना लिखे तो भी चला क्योंकि 1 किसी से भी इंटू करेगा वही आता है, फिर इसके बाद से इसको भी इनिशियल लेंगे, इनिशियल 1 का 1, y नॉट की वैल्यू 0 थी और 1 माइनस 0 तो 1, y डबल डैश ऑफ y नॉट की वैल्यू हमारा 1 आ गया, फिर इसके बाद से y थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, यहाँ पे क्या होगा 1 का 0 हो जाएगा, y डैश का डबल डैश हो जाएगा, y डबल डैश की वैल्यू क्या थी 1, 0 माइनस 1 तो -1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 हो गई y थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है, थर्ड सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड होगा तो थर्ड का वैल्यू -1 था तो इसका +1 आ जाएगा, देखिए ऐसे एक माइनस बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर है, -- प्लस हो जाएगा, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे
वैल्यू पुट करके जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप क्या आता है 2 + 0.01 डिवाइड बाय 2 - 0.001 डिवाइड बाय 6, फिर उसके बाद से +0.001 डिवाइड बाय 2.4। देखिए मेरा वैल्यू आ गया 2.0048। अब चार नंबर के बाद बड़ा नंबर नहीं है तो यहाँ पे सॉरी चार नंबर के पास पांच से बड़ा नंबर और पांच नहीं है तो यहाँ पे 2.0048 मैंने लिया है। तो इसी के साथ मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप एक बार सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस के लिए। इसके सोल्यूशन भी दिखा दिया मैंने, आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऑयलर मेथड के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून दोस्तों, हैव अ गुड डे।